वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। मैं हूं शिव कुमार, एक अध्यापक। आज मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको भोजन में क्या पसंद है। सोचिए जरा। आप में से बहुत सारे बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद होंगी, कुछ को दालें और कुछ को चपाती खाना पसंद होगी, और कुछ राइस को बहुत लाइक करते होंगे। ये जो आप सभी चीजें अपने भोजन में खाते हैं, इनको बनाने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, और इनको बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं, किन किन चीजों से ये बनती हैं, और इस भोजन को बनाने में कौन कौन काम करता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आज हम थर्ड क्लास की EVS का लेसन नंबर 14 द स्टोरी ऑफ फूड के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 94 ओपन करें, और आप ये जो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जा रही है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो द स्टोरी ऑफ फूड यानी भोजन कहाँ से आया और किसने पकाया, ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखेंगे। तो जरा आप सभी इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इस पिक्चर में क्या हो रहा है देख लिया होगा। यहां दो परिवारों को दिखाया गया है। एक है वेणु का परिवार, दूसरा है रानी का परिवार। तो देखते हैं कि वेणु की फैमिली में क्या हो रहा है। ध्यान से देखें, वेणु की मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है भला? खाना बना रही है। और वेणु के पापा क्या कर रहे हैं? फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रानी के परिवार में रानी की मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। अब उससे नीचे वाली फोटो देखें। इस फोटो में वेणु अपने मम्मी पापा के साथ खाना खा रही है, और दूसरी ओर रानी क्या कर रही है? ध्यान से देखो, वो अपने पापा और भाई को खाना सर्व कर रही है। अब नीचे वाली पिक्चर में देखें, यहां शाम का समय है। वेणु क्या कर रही है? साइकिल चला रही है, और उसके मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर रानी के परिवार में रानी के पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रानी और उसकी मम्मी काम कर रहे हैं। तो दोनों परिवारों में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखा? What kind of work are people doing in both the families? दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है, ये आपने इन पिक्चर्स में देखा। तो अब आप बता सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है। क्या आपकी मम्मी घर के सारे काम करती है, या आप और आपके पापा भी मम्मी के साथ काम करने में मदद करते हैं? तो माउथिंग इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दीज फैमिलीज? इफ यस, लाइक विच वन?
हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स, क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? इफ नॉट लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली, यदि नहीं तो अपने परिवार के बारे में बताओ। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ नॉट व्हाई, क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? आपको क्या लगता है कि घर में खाना सबको एक साथ खाना चाहिए, इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए, या फिर अलग अलग, या फिर घर के पुरुषों को पहले और लेडीज को बाद में? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? और यदि आपको ऐसा लगता है कि खाना अलग अलग खाना चाहिए तो क्यों? ज़रा सोचो, क्या लेडीज़ को खाना बाद में खाना चाहिए? पर क्यों, क्यों खाना चाहिए बाद में? आप इस बारे में ज़रा सोचें। हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली, आपके परिवार में सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? आपकी मम्मी, आपकी बहन, या फिर सब इकट्ठे? हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड व्हाई, खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता है और क्यों? क्या आपके माताजी अकेले खाना बनाते हैं, या आपकी बहन अकेले खाना बनाती हैं, या उनके साथ आप या आपके पापा भी खाना बनाने में मदद करते हैं? ज़रा आप सोचें। अभी तक हमने इस चैप्टर से सीखा है कि वेनू की परिवार में सभी लोग घर का काम मिलजुल कर रहे हैं और खाना भी इकट्ठे ही खाते हैं, पर रानी के परिवार में रानी और उसकी मम्मी को घर के काम करने पड़ रहे हैं और रानी के परिवार में जेंट्स को घर के कामों में मदद करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि घर के काम हमें मिलजुल कर करने चाहिए या नहीं? हमने इस चैप्टर में अभी तक ये जाना है कि हमें घर के कामों को मिलजुल कर करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और खाना जो है वो सभी को इकट्ठे बैठकर खाना चाहिए। तो क्या अब आप अपने घर में खाना इकट्ठे बैठकर खाएंगे या नहीं?